नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रांडेड किसान में। भाइयों, आज की एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिला बिजनौर की। सबसे पहले तो जितने भाई बैठे हैं सभी को राम राम है जी। राम, सभी का स्वागत है जी। और आप सभी को हैप्पी दिवाली जी। सेम टू यू। जितने भी भाई देख रहे हैं उन सभी के लिए हाथ जोड़ के, सभी ऐसा पावन पर्व है, आप सभी के लिए भाई हैप्पी दीपावली, सभी को शुभकामनाएं फलो फूलो। अर्जी, आज की जो वीडियो होने वाली है, गांव कौन सा है जी? हादरपुर। पहले तो बड़े भाई का स्वागत है जी। आपका शुभ नाम बोलो जी एक बार। मेरा नाम पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जी। गांव हादरपुर, जिला बिजनौर। हादरपुर, जिला बिजनौर जी। बहुत बढ़िया। तो पिंटू भाई, आपका जो भैंसा है दांतों में क्या है? दांतों में आठवें पूरे कर रहा है। अच्छा, आठवें दांत पूरे कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो दूसरी बात आती है, ये टूर्नामेंट का है, चैलेंज का है, गंगा स्नान का है, कैसे? स्टैम जी, गंगा स्नान का है। कितनी दूरी है जी इसकी? यहाँ 135 किलोमीटर पड़ता है गंगा स्नान। 35 किलोमीटर कहाँ का गंगा स्नान नहाते हो आप? गंज। तो बड़े भाई, आप इससे पहले भी गए होंगे जाहिर सी बात है। पिछले साल भी गए थे। कोई 35 किलोमीटर का कोई टाइम वाइम है आपका? नहीं, बस ऐसे ही नॉन स्टॉप ट्रैक्टर के पीछे। ट्रैक्टर के पीछे जाते हो? तो आपके यहाँ से सेलने में छूटते होंगे भैंसे? मुझे लगा और भी छूटते होंगे। हाँ, और भी छूटे हैं, बस सब अलग अलग ही जाते हैं अपना। अच्छा, सब अलग अलग जाते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो हाल फिलहाल आज आप इसे कितने किलोमीटर में दिखाओगे जी? आज तो छोटा ही जोतेंगे जी, लगभग 400 जोते हैं। 300-400। अच्छे। तो बड़े भाई, ये इतनी दूरी का होने के बावजूद 300-400 में कैसे ले लोगे आप इसका ट्रिप? नहीं, ये वैसा ऐसा है, जो छोटी जोत लो या बड़ी जोत लो, सब में चलता। अच्छा, सब में ही चलता। हाँ, पहले टूर्नामेंट भगाया है हमने। अच्छा, टूर्नामेंट कहाँ भगाए जी आपने? हमने दिल्ली भगाया। सबसे शुरू का टूर्नामेंट हमने आलोपुर भगाया था। आलोपुर, उसमें क्या पोजीशन रही जी आप? उसमें जी वो 12-13 महीने का लवारा था, यो चौथा नंबर आया था इसका। अच्छा, 12-13 महीने का लवारे का चौथा नंबर आ गया था फुल टूर्नामेंट में। अच्छा, फुल साइज में? फुल साइज। वाह जी वाह, चौथा नंबर लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके बाद? उसके बाद हम फिर दिल्ली ले गए थे। दिल्ली ले गए थे, वहाँ भी 4-5 कट्टों में रह गए थे लास्ट वाले। अच्छा, फिर भी बच्चा ही था जब भी? हाँ, बच्चा ही था जी। 12-13 महीने उसमें बड़े भैंसों में फुल साइज में फिर भी रह गया था। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद रोक दिया। अच्छा, रोक दिया। तो अब फिर तैयारी करी? अच्छा अच्छा। तो बड़े भाई, आप लोग इस लाइन में कब से हैं? लगभग 15 साल हो गए। 15 साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, जितने बैठे हैं सभी का स्वागत है। बड़े भाई राम राम है जी आप सभी को। बड़े भाई शुभ नाम बोलो जी आप। सुनील कुमार। तो बड़े भाई, आप भी शौक रखते हो भैंसे? आपने भी पाला? हाँ जी, पाला। गेम में रहे हो? हाँ जी, गेम में रहे। कितना समय गेम में रहे जी? सब साथ के ही हैं, 15-16 साल। बहुत बढ़िया। पीछे बड़े भाई का स्वागत है। आपका शुभ नाम बोलो जी एक बार। लोकेंद्र कुमार। तो लोकेंद्र भाई, आप भी भैंसा रखते हो, शौक रखते हो? भैंसा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप भी गेम में हो? हाँ। अच्छा, तो आप कैसी चैलेंज में होते हो? लंबी दूरी में आते हो, किस में आते हो? छोटी रेस में ही तारे में। छोटी रेस में, बहुत बढ़िया। तो आपने भी मैच कोई खेला जी बिजनौर में? मैच खेला, फर्स्ट बिराल से ठाई थी। बिराल से? अच्छा जी। मुर्शिदपुर दिल्ली से फर्स्ट आई। अच्छा जी। आलोपुर से फर्स्ट लाए। वाह जी वाह, तीन बार फर्स्ट ले लिया आपने। हाँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बराबर का मैच खेला आपने? फुल मो भाग लिया था। हाँ। है जी? हाँ, फुल मो। उस टाइम 6 दांत था बेटा। नहीं नहीं, आपने बराबर बराबर का मैच किसके साथ लड़ा आपने? नहीं, ऐसे नहीं खेला, सट्टा नहीं खेला, टूर्नामेंट खेला। अच्छा, टूर्नामेंट की पट्टी, टाइमिंग की पट्टी खेली है? बहुत बढ़िया जी। ये जो लवारा था हमारा, ये जो लवारा है इस टाइम, उसके साथ ही जाता था। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जनाब, आपका स्वागत है। राम राम जी। आपका शुभ नाम बोलो जी एक बार। नितेश कुमार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जनाब, आप भी शौक रखते हो भैंसे का? हाँ जी। तो आपके पास किस टाइप का भैंसा है जी? इस टाइम तो नहीं जी, पर हमने शौक सन 98 से शुरू करा था। जो हमारे गांव में शौक लगा हुआ है। हाँ जी। वो इनके पिताजी से लगा हुआ, हमारे ताऊ जी थे। सबसे पहले फ्रैक जैसे बनने शुरू हुए थे, सबसे पहले लाए थे। अच्छा जी। वो फिर आज भी हमारे पास। जब हमने 7-19 की बुकिंग वैसे भगाए कभी टूर्नामेंट, उस टाइम पर खेले सब टूर्नामेंट ही। अच्छा। 900 पहरे, 700 पहरे,
500 पैरों का कोई नहीं खेलता। ओहो 700 मीटर 900 मीटर 500 मीटर का आपने कोई टूर्नामेंट खेला ही नहीं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो जैसे कि मैच लगते हैं, आप लोग देखना पसंद करते हो, जाते हो? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शौक है दिल लगातार शौक, और खेल कराने का भी शौक। अच्छा खेल कराने का भी शौक, कराने का भी शौक है। जैसा अभी हम विचार रख रहे थे कि टूर्नामेंट कराएंगे एक और, अच्छा लोग कर ही रहे हैं, सट्टेबाजी बात अलग होती है। हाँ जी, टूर्नामेंट अलग होता है। टूर्नामेंट में सभी पूरा जिला यूपी, पूरे यूपी, जैसे ऑल यूपी या ऑल इंडिया, उस हिसाब से टूर्नामेंट रखा जाएगा। तो सभी भैंसों की प्रतियोगिता यही देखी जाएगी। अच्छा जी, वो कब कब का टूर्नामेंट रखवा रहे हो आप लोग? हम रखवाना कोई भी जानना बता देंगे हम आपको। नहर जैसे हो, इससे पता चलेगा नहर का पता लेने पहले पानी का रखेंगे, पानी का उसके हिसाब से। बहुत बढ़िया जी, बहुत। तो शायद जनवरी के टाइम में रखें, जनवरी के लास्ट में रखो या जनवरी के शुरू में। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। टूर्नामेंट आप कैसा करवाओगे पहले ये बताओ, कि टूर्नामेंट में कोई कंडीशन होगी? नहीं कोई कंडीशन नहीं, फुल का कराएंगे। नहीं मेरी बात समझे नहीं आप लोग। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे टंडी की कोई बाउंडेशन वगैरह की, हाँ दो टंडी होंगी या हाँ। चार टंडी होंगी या दो चौबे होंगे, कि उससे ज्यादा मारेगा तो फाउल हो जाएगा ना। आज के टाइम पे भैया बहुत ज्यादा बंदिश लगाई जा रही है, सरकार भी बंदिश लगा रही है। देखो जो बात जायज है, सरकार ने इसके एक्ट को देखते हुए पाबंदी लगा दी गई है, तो आप लोग भी बाउंडेशन की लो। हाँ इसमें विचार करनी, ये विचार करो आप इस चीज पे कि भाई जब सरकार से हम अलग होके कैसे कर लेंगे जी। भाई आप जो पंपलेट छपवाओ उस पर स्पेशली नोट लिख के डालो कि भाई दो चौबे चार टंडी मार सकते हो आप, उसके बाद जो भी मारोगे उससे फाउल हो जाएगा। जैसे कि पहले मैच होते थे, जो पुराने होते थे, पुराने ऐसे होते थे जहां का मर्जी थी आज उठा लो आप, दो टंडी होती थी, दो चौबे होते थे, साइड से कोई नहीं मारने का। आज के टाइम पे तो एक मोटरसाइकिल इधर है, दो मोटरसाइकिल इधर है, तो इधर से भी चौबे लग रहे हैं, इधर से भी चौबे लग रहे हैं, दो ऊपर बैठे हैं भी चौबे मार रहे हैं। कहने का मतलब ये है वो भी पशु है भाई, वो भी पशु है। इस तरीके से करो गेम, आप मनोरंजन के लिए गेम करवा रहे हो, अपने मनोरंजन के लिए गेम करवा रहे हो, आप पशु को मारने के लिए थोड़ी मनोरंजन करवा रहे हो, क्यों जी? बिल्कुल सही। तो ऐसा टूर्नामेंट कराओ जो आप पहले बाउंडेशन रखी जाए उसमें, कि हमारा रेफरी रहेगा पीछे, कि भाई उसमें टंडी या चौबे जो भी है उसकी बाउंडेशन होगी। देखो आगे जाके अगर हम इस बात पे अभी से रोक नहीं लगाएंगे तो आगे जाके पता नहीं फिर क्या बढ़े। हाँ सही बात, ये तो बहुत कुछ बढ़ गया जी। सरकार क्यों रोक लगा रही है? सरकार इसलिए रोक लगा रही है कि पशु को ज़्यादा मारा जा रहा है जी। अब दो जाने इधर से मोटरसाइकिल से मार रहे हैं, दो इधर से मार रहे हैं, और जी दो ऊपर से मार रहे हैं, तो बड़े भाई वो भी बेजुबान पशु है, उसके ऊपर भी अत्याचार करना गलत है। गलत कही तो आप बोलो है जी। चलो विचार करके बताते हैं। ये इस बात का जरूर आप लोग उसमें नहीं, ये विचार एक बार हमने चलाया भी था जी, कोई डंडी कोई पहनी या कोई चौभर लगना ही नहीं, ऐसा टूर्नामेंट कराने की सोच रहे थे एक बार। अच्छा जी, बस वो जैसे कमेटी बैठाई वो कैंसिल हो गया, फेल कर दिया उन्होंने कि जो नहीं भाई इस तो ऐसा बहुत जगह मेरा तो ऐसे भागेगा मेरा। मां भाई यू ही प्रैक्टिस कराओ, जो तुम बिना डंडी के बिना चौबे के, हाथ में केवल रस्सा रहना चाहिए। देखो जी दो चार चौबे तो हो गए कि भाई टूर्नामेंट में दो चौबे या चार चौबे जरूरी हैं, ठीक है जी। अब ये क्या तरीका है कि आप इधर से भी मारते जा रहे हैं, आप इधर से भी मारते जा रहे हैं, तो वो तो गलत है ना। टंडी रखो, चार टंडी होगी या पांच टंडी होगी, भाई पांच टंडी से ज़्यादा मारेंगे तो हम पशु का, इस तरीके का टूर्नामेंट करवाओ। मेरे पास लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई जी आप ऐसे टूर्नामेंट करवाओ जिसमें पशु को कम मारा जाए। गेम तो जब ही है, गेम तो जब ही है कि भाई बगैर मारे पशु भाग के दिखाए, तो मजा तो उसमें है ना। बड़े भाई जहाँ बच्चा है, बच्चा तो वही है जो पढ़ा बिना कहे सुने पढ़े, क्या क्या पढ़वाया तो क्या पढ़वाया जी। तो बाकी आगे जी नमस्कार, स्वागत है जी आपका, आपका शुभ नाम बोलो जी। तो आप भी शौक रखते हो जी? अच्छा आप ही का जोटा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भाई जी का स्वागत है, भाई जी का शुभ नाम सुशील कुमार, बहुत बढ़िया जी।
तो बड़े भाई आप भी शौक रखते हो? शौक क्या भैया, बस जी हमें तो बहुत गेरना है ना, पानी पियाना, खल देनी है, दाना देना, यही शौक है। लदवा कर ले जाना हो, करवाना। पीटता कौन है आप में से? पीटता कौन है? मैं तो कभी इनकी फिरक पर भी नहीं बैठता। नहीं पीटते मारो। पीटते कौन है? यही दोनों। कौन दोनों? कौन बैठे? तीसरा वो बैठा है। अच्छा आपका काम है दाना पानी का, पीटेंगे ये? नहीं कोई भरोसा नहीं है। अच्छा तो दर्द नहीं होता बड़े भाई आपको जब पीटते हैं? बस क्या फिर उसकी वो ट्यूब से मिल भी नहीं रहा। अच्छा ट्यूब की जिम्मेदारी भी आपकी है? तो अपनी मोटरसाइकिल ठाक पे टूटी चले जाएंगे। अच्छा 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 बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छी अच्छी सोच है जी आपकी वो, कि भाई मारना पीटना कम करा जाए तो बेहतर है। बहुत बढ़िया बात है भाई जी का स्वागत है। बड़े भाई आपका शुभ नाम बोलो जी एक बार। सुमित कुमार। सुमित कुमार बहुत बढ़िया। तो बड़े भाई ये तो सारी बातें होगी आपकी, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी जी। कि जो मैंने आप लोगों से ये बात कही है, ये बात पे जरूर गौर फरमाना, विचार करो, दो या चार चौबे कर लो, टंडी कर लो, चार कर लो, आठ टंडी कर लो, बस जो इधर से भी लग रहा है इधर से भी लग रहा है वो गलत है। गलत है, है जी गलत। देखो हम बैठ जाते हैं ऊपर या हम, मैं कहता हूँ भाई से आप जुड़ के देखो, मैं आपके दो ही चौबे मारूंगा, देखे क्या होता है। है जी सही बात। कहने का मतलब ये है वो भी बेजुबान है। तो इस बात पे रिक्वेस्ट है, आप लोग बुजुर्ग हो आप समझदार हो, कि भाई इस पे कमेटी जब बिठाए आप तो कमेटी फाउंडेशन जरूर लगाई जाए जी आपके। जी लगाएंगे, जरूर लगाओ। एक आता मैच करवा के तो देखो आप लोग भाई आगे जब भी बढ़ेंगे, जब आप लोग करवाओगे दूसरी जगह भी प्रचलन चलेगा, शुरुआत तो करनी, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ज्यादा पिटाई से पशु भी बिगड़ जाता, पशु भी बिगड़ जाता है, इतना डर जाता है वो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है उसके सामने। तो भैंसा दिखाया जाए जी, भैंसा कैसा है आप लोगों का? इधर बच्चे खड़े हैं, अम्मा खड़ी हैं, अम्मा राम राम। इधर गुड़िया है, गुड़िया क्या नाम है? राधिका। इसका क्या नाम है? आरव। इधर अभी आरव शर्मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो जी भैंसा दिखाते हैं कि भैंसा, भैंसा है तो देसियों में कि भाई लंबाई बहुत है, ऊंची गोडी का नहीं है, बीच का जो गैप है इसका ये बहुत तकड़ा है, जिसके कारण ये इसकी चाल बढ़ेगी। तो बात की जाए पिछली पैरों की, कुछ ऐसे होने वाले हैं, पेट तो है ही नहीं और ऊंचाई भी नहीं है इतनी इसकी। बात की जाए इधर की रीढ़ की हड्डी, कुछ ऐसे होने वाली है, देखते हैं गर्म है या नहीं है। ठंडा है अभी तो शांत है। बात की जाए आगे से, तो फेस मारता तो नहीं है भैया? नहीं नहीं कुछ नहीं, फेस कुछ ऐसे होने वाला है। सीना बहुत है जी, जोर से गाइस वेज भक्ता। तो भाई जी आज दिखाते हैं कैसा है, क्या हिसाब किताब है, कुछ नाम भी रखा आपने कैसे इसका? हाँ जी काला, कोई बुरा वाल नहीं देख तक सकते। अभी जवानी है। हाँ जी क्या बात है, क्या बात है। देखो पूंछ भी देखो बिल्कुल काला है, प्योर काला, नाम भी काला। हाँ जी। रंग भी काला। हाँ जी। क्या बात है, कोई वाल नहीं बुरा इसका कहीं भी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो फिर एक में जोड़ा जाए भैया जी? हाँ जी हाँ। चलो जोड़ो फिर भाइयों। एक पशु इनका और है, दो पशु हैं इनके पास। गर्म दिमाग बहुत है, ज़्यादा गर्म है। गर्म किसका बात भी बहुत गर्म, मार बर्दाश्त नहीं करती। अच्छी है जी, क्या बात है, क्या बात है, है गर्म दिमाग, क्या बात है जी, क्या बात है। वाकई में जो मिर्ची है जिसे कहते हैं जी, इसकी कितनी मीटर की आपने तैयारी कर रखी? अभी 500 मीटर जोत रहा है कच्चे में। 500 मीटर? हाँ। क्या बात है जी, क्या बात है। इसे यहीं रखिए जरा भाइयों, इसका मैं पूरा लुक दिखा दूंगा आपको। सेल सेल करना चाहोगे? ना ना सेल नहीं, ये तो बड़ी तक है नहीं देखा है जी, ये तो बीज बड़ी मुश्किल से रुका भैंस का, जोन सा फाइनल ठावा था। अच्छा अगर भैंस देख लेना तो जरा सी इसका लवा रहा है। अच्छा जी भैंस जरा सी, मगर भैंस से जिससे कराया था झोटी पाली इसकी भी ना, अगर वो बाकी कट रहा होती और ही लुक था। अच्छा ओरिजिनल बिल्कुल। तो इसकी तो दो दांत है, अभी इसकी तो लंबाई बहुत जाएगी। हां बहुत,
तो हमारा कोई काम ना, पर खाना ना नहीं है। क्या बात है, एक बार इसके दांत दिखाओ। दो दांत तोड़ गया। हाँ तोड़ गया जी। हाँ इसकी डाइट कमजोरी है जी। क्या बात, इसे खुराक कम है ना, है? अगर मैं गर्मी बहुत मानता जाट हूँ, अब सोना होता चला कुदरती। अच्छी है जी। हाँ इसकी डाइट वाइट क्या दे रहे इसे? दो किलो तो दूध दे रहे हैं अभी, ज्यादा टहलना कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक किलो दाना इसका, चने का और लेटेगा। हाँ देड़ा देड़ा। अच्छा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी इसमें चौंक बहुत तकड़ी थी, ऐसा खड़ा ही ना होगा था। अच्छा अच्छा, गर्म दिमाग है। हाँ बहुत ही बावला था बिल्कुल। तो पीड़े में जुड़ के फिर क्या कि बस हट जाओ। हाँ जब तक मैं चलाऊंगा जाएगा बावला बिल्कुल। अच्छा और जिस टाइम छोटा वाला बैठ जाएगा, पिंटू है ना, पिंटू की आवाज सुन के पापा का लग जाए। अच्छा चलो, चलो दिखाते हैं फिर आज क्या हिसाब किताब है इसका। जोड़ो इसे पीड़े में, जोड़ के ले आओ लेके जाती है। देखो थोड़ा सा तक लाना, बस बस यहीं तक रखना है। हाँ फिर तो इतना तो चला दो, इनका कटरों का कोई भरोसा थोड़ी है। क्योंकि लोकिंदर हिस्से बैठा था चालाक बुड्ढा, दो मिनट लगी थी सुंदरपुर तो घूम कहीं उतरा ही ना, मुँह काटे ना, मौका ही ना दिया उतरने का बिल्कुल भी। हाँ दोनों लेके जा रहे हैं, ये तो रस्सा खेच रखा है इसका तो है। क्या बात है जी, क्या बात है, ये तो वाकई में मिर्च लग रही है। शक्ल साले की ऐसी है पर काम बहुत तगड़े वाले हैं। वाह जी वाह, उधर रोक रहे हैं कैच कैच के भाई, तू पैर ऊपर कर ले अपने। लेके जान लग रहे हैं जी। छोड़ी रस्सा, छोड़ी ढीला करी रस्सा। क्या बात है जी, क्या बहुत लंबा सफर है जी घर से गांव से, जो पट्टी पड़ती है नया रोड बना है भाइयों इनका, काफी दूर पट्टी पड़ती है, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का दूरी होगी भैया। हाँ, हाँ जी 1.5-2 किलोमीटर दूर पट्टी है, वहाँ तक ऐसी जाएंगे, वहाँ जाके इनका प्रदर्शन दिखाएंगे जी, कैसा प्रदर्शन है, क्या हिसाब किताब है। ये दो दांत तोड़ गया ये वाला लवारा, वो फुल साइज हो गया, पूरा साइज हो गया जी वो परला वाला, करो इसके बाद करो। लेके जा रहे हैं जी पट्टी पे, भैया ले चलो पट्टी, आगे ले चलो आप, आगे आगे ले चलो आप भाई, वहाँ ऐसा ना करिए। भैंसा छूटने की तैयारी में है जी, भैया उधर कोई मोटरसाइकिल ना जाके से। भैया आप एकदम साइड पे खो जाइयो, क्या कर रहा है यार।
ऐसा देखो क्या शानदार है, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम बताया भैया इसका? काला। काला वाकई में बहुत ही शानदार। इसे साइड पे कर लो भैया, ले जाओ ले जाओ आगे ले जाओ भैया, इसे ले चलो जोड़ के, आप उधर पहुंचो, इतने इसकी बातचीत हो गई, इतने आप पहुंच जाओगे वहाँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ताकि आने वाले समय में भैया सेल भी कर सकते होगा, उचित पैसे मिले। हाँ भैया सेल करते हैं। कितने पैसे? वो 60 मांग रखे हैं जी, बाकी हो जाएगा कोई नहीं। अच्छा ये कितनी मीटर की इस टाइम दूरी में तैयार है? यो 350-400 पूरा जोत लो, कोई दिक्कत नहीं। 350-400 पूरा जोत लो। दांतों में 6 अभी दांतों में 6 हैं, 8वें दांत कर रहा है। करियो दिखाइयो, एक पूरा दिखाओ। देखो जी ये तोड़। हाँ जी बिल्कुल सफ़ेद दांत है, अभी तो मामला सेट है। अगर इसे डाइट वाइट दी जाए तो ये पूरा काम करेगा। 1.5 साल से जी रुका हुआ था भैंसा, उसके बाद तैयारी बुलाई है थोड़ा थोड़ा। भाइयों इसकी भैंसे की लंबाई तो बहुत ज़्यादा है। लंबाई बहुत तकड़ी है ना जी। हाँ, बहुत तकड़ी लंबाई। लंबाई में तो आप देख के कहोगे देसी है, लेकिन लंबाई को देख के कहोगे जी बलैती है। बहुत लंबाई, तो वो लंबाई बहुत ज़्यादा है। देखो जी 50 का मीटर थामना भी बड़ी कैड़ी बात है। 50 का मीटर थाम के चला जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है इसने जो काम करना था इसने किया, जो इनका काम था इन्होंने नहीं किया। क्यों भैया जी? ना सही बात है, उस टाइम पर झोटा छूट जाता था, कम से कम 60 का मारता। 60 का मारता मीटर जी, 50 से ऊपर दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जब देख लो कोई, पर थोड़ी हमारी नात वाली कोई बात नहीं, तो चलता रहे अपने आदमी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल कौन सा ये रोज का तजुर्बा तो है नहीं जी। देखो जो आदमी 1.5 साल बाद भगाया आज, फिर भी बहुत अच्छा चला। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। अब इनका दूसरा लवारा दिखाते हैं, दांतों दो। चलो भैया जी। तो भाइयों वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो आप जरूर बताना, ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो मिले। देखो कैसी मरोड़ में है इस टाइम। देखो नाड़, देखो जी नाड़ कितनी तकड़ी नाड़ हो रही है। भैया सभी को राम राम है जी। राम राम, राम राम भैया। जितने भाई हैं सभी को राम राम जी, राम राम।